जिंदगी भर एक दूसरे से खुन्नस रखते रहे। कभी जमीन तो कभी संपत्ति को लेकर दो भाई मन मुटाव रखते रहे। यहाँ तक कि जब उनके जनक इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे, तब भी भाइयों की गर्मी शांत नहीं हुई। दो भाइयों का परिवार उनके पिता की मृत्यु के समय भी लड़ बैठा। घटना झांसी के समथर थाना क्षेत्र के लावन गांव से सामने आई है, जहां राजेश कुमार के पिता की लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। इसके बाद सभी रिश्तेदार और गांव के लोग मृतक की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान राजेश ने अपने ही चाचा के परिजनों को अर्थी में कंधा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उक्त लोगों द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी गई। एक तरफ जमीन पर अर्थी पड़ी रही तो रिश्ते नातेदार अंतिम संस्कार में जाने का इंतजार करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ परिवार के लोगों में संघर्ष और मारपीट होती रही। ग्रामीणों को समझाने के बाद किसी तरह अंतिम यात्रा निकाली गई, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद फिर से खूनी संघर्ष का खेल शुरू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मोट ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना समथर पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। ये द्वार पे मारपीट करी, अर्थी लगा कर हम लोग वहां से लौट के आ गए। इसके बाद का देखने गए थे, बोलने की अब इसको इसको हम घर पर कोई है नहीं है, हमारे पिताजी आज खत्म है। साहब लड़ाई किस बात पे, किस बात को लेकर हुई लड़ाई? कंकंडे को नहीं रखने दिया हमने, बिल्कुल नहीं रखने दिया। हंसराज को और नबीर सिंह को। कौन है वो आपके? वे चाचा के होंगे। उन लोगों ने क्या करा? मैंने मारपीट करी साहब। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।